आज हम लोगों ने एक बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है और वो एडिशन रिएक्शन कौन सा है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें एक लफ्ज आया है कंडेंसेशन रिएक्शन। हम लोग देख लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे। एक बात, दूसरी बात, ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और ये दो मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम केस सेम कैसे ले सकते हैं? देखिए, हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं मैं उसी से आपको एग्जांपल बना के दे देता हूं अल्डोल कंडेंसेशन से। देखिए, एक हमारे पास ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये बनाएंगे अल्डोल, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये क्या है? सेम की एग्जांपल, और इसे बोलेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैंने इधर भी इथेनॉल लिया, इधर भी इथेनॉल लिया, और अगर मैं बात करूं डिफरेंट की, मैं अगर ऐसा करता हूं इधर इथेनॉल ले लेता हूं, इधर प्रोपेनॉल ले लेता हूं, ठीक है, तो वो भी अल्डोल बनाएगा लेकिन वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बनेगी और उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट बात, जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है इसे हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। देखिए, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है और साथ क्या होता है, पहले एडिशन होगी, एडिशन के बाद क्या होगी, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो सकता है, अमोनिया, इस तरह के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है, इसका नाम कैसे आया अल्डोल? देखिए, अल्डोल जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, अल्डोल जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, एक एल्डिहाइड आएगा और सेकंड वन कौन सा आएगा, अल्कोहल आएगा। एल्डिहाइड का अल्ड लेंगे, ए एल डी पिक करेंगे और अल्कोहल का ओ एल पिक करेंगे, ये दोनों मिलके अल्डोल बना देंगे। क्या बना देंगे? अल्डोल बना देंगे। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम अल्डोल दिया गया। अब इसमें हम रॉ मटेरियल कैसा कैसा देख लेते हैं। देखिए, पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे जो सिलेबस में है ना, वो है सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने ना रिएक्टर्स लेने हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड के ले सकते हैं या कीटोन के ले सकते हैं, लेकिन जरूरी है उसमें क्या चीज जरूरी है, एक कंडीशन उन्होंने रख दी कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूं, फिर हम अल्फा हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। सेकंड थिंग, यहां पर हम यूज करेंगे डिल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे अल्कलीज का। देखिए, कौन कौन सा हो सकता है, हम इसमें यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका डिल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डिल्यूट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, या हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हमारे पास क्या होगा, कोल्ड कंडीशन यूज करेंगे, इंतहाई लो टेम्परेचर यूज करेंगे। देखिए, हमारे पास नेक्स्ट एक कैनिलर रिएक्शन होगा, उसमें हम रूम टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है, बाद अब बुक्स में लिखा तो हीटिंग कंडीशन होगी, लेकिन यहां पर जो रिएक्शन है कोल्ड कंडीशन मीन रूम टेम्परेचर से भी जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उससे काफी कम, अप्रोक्सीमेटली 5-10 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो सकता है। एक चीज और हम लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे पास कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, एक कंपाउंड ले लेते हैं हम ये वाला। देखिए, इसमें हमारा ये वाला कार्बोनाइल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन का हम हमेशा नाम देंगे किसका, अल्फा कार्बन का नाम देंगे। और अल्फा कार्बन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, ये याद रखनी है, ठीक है, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, देखिए ये वाले तीन हाइड्रोजन, ये वाले तीन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम किसका नाम देंगे, अल्फा हाइड्रोजन का नाम देंगे। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखिए, ये HCOOH फॉर्मेल्डिहाइड, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है, साथ कोई अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जीरो होंगे। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
इथेनॉल की CH3COOH, ठीक है। फंक्शन ग्रुप साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कराएंगे। और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये मैंने ली प्रोपनॉल, प्रोपनॉल में देखे फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन यहां पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। अब नेक्स्ट हम इनके रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन हम रिएक्शन कैसे स्टडी करते हैं। देखिए मैंने ये दो आइडेंटिकल कंपाउंड ले लिए, इथेनॉल इथेनॉल दो कंपाउंड ले लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाली कार्बन कौन सी है, अल्फा कार्बन, कौन सी कार्बन है, अल्फा कार्बन। और देखिए ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को आपने जाके ऑक्सीजन में ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड है, तो लाजमी एडिशन रिएक्शन देता है। और ये वाला जो CH2 है इसको इस कार्बन के साथ ऐड कर देना है, किसके साथ ऐड कर देना, कार्बन के साथ ऐड कर देना है, यहाँ पर एडिशन होगी, ठीक है। अभी हमने एडिशन की, एलिमिनेशन नहीं करना, तो यहां पर हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गई CH3। देखो CH3 सी के साथ एच लगा हुआ, नेक्स्ट ये CH आएगा, और C के साथ कौन बॉन्ड बना रहा था, आके CH2 को हम लोग ने ऐड किया, ये CH2। और ऊपर देखिए डबल बॉन्ड वो था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऐड की, तो ये किस में चेंज हो गया, OH के अंदर चेंज हो गया। बाकी हमारे पास क्या आ गया, बाकी क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये हम इसके साथ लगा देंगे C डबल बॉन्ड OH। अब देख ले ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वजह से एल्डिहाइड का एल्ड लिया गया और अल्कोहल का ओल लिया गया, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इसका नाम कैसे देंगे, देखिए नाम देते वक्त क्या करेंगे, नंबरिंग नियर टू द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया। अब कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को क्या मेन सॉरी इसको हम सब्स्टिट्यूट मानेंगे, इसका नाम देंगे, क्या नाम बनेगा, 3-hydroxy, ठीक है। थर्ड वाली कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, 3-hydroxy। और टोटल कितनी कार्बन है मेन चेन के अंदर, टोटल मेन चेन के अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए IUPAC में हम अल्केन में क्या वर्ड यूज करते हैं, सॉरी एल्डिहाइड के लिए क्या लफ्ज यूज करते हैं, ब्यूटानल यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 3-hydroxy-butanol। और अगर कॉमन नेम देखना हो तो इसका कॉमन नेम बन जाएगा, कैसे बनेगा, देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड इसका नेम बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिया है प्रोपनॉल, यहां पर प्रोपनॉल लिया, ये गलती मत कीजिएगा, हम लोग आइडेंटिकल कंपाउंड लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखो फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन अटैच करना है, देखो ये 1, 2, 3 कार्बन है, प्रोपनॉल है, लेकिन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐड नहीं करना, ये गलती मत कीजिएगा, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड करना है, और इस CH को किसके साथ ऐड कर देना है, इस कार्बन के साथ ऐड कर देना है। तो यार हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गई, CH3CH2CHOH, ठीक है। और इसके साथ क्या आके लग गया, CH आके लग गया, ये वाला CH, और उसके नीचे क्या है, CH3, बाकी हमारे पास वैसे आ गए, ठीक है। अल्डो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अब इसका नाम नहीं लेते हैं, ये भी हमारे पास अल्डोल एडिशन बन गए, नाम कैसे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, 3-hydroxy-2-methyl, ठीक है, 2-methyl। और टोटल कितनी कार्बन है एल्डिहाइड में, 5 कार्बन है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेंटानल, क्या नाम बन जाएगा, पेंटानल ऐड कर देंगे। अब लास्ट एग्जांपल मैंने किसके लिए, एसीटोन, एसीटोन मतलब कीटोन का लिया। आप लोगों ने कैसे इसकी एडिशन करनी है,
देखिए सेकंड कंपाउंड पे गौर करना, फंक्शनल ग्रुप उसके साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसको जाके किसके साथ ऐड करना है, ऑक्सीजन के साथ ऐड करना है और इस CH2 को इस कार्बन के साथ जाके क्या कर लेना है, ऐड करना है। तो हमारे पास यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3COH, ठीक है। और ये CH3 को मैं नीचे कर लेता हूं, बाकी देखो ये CH2 आके कार्बन के साथ लग रहा है CH2 और CH2 के बाद C डबल बॉन्ड OCH3, ये हम इस तरह लिख लेंगे। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 4 पे क्या मौजूद है, 4 हाइड्रोक्सी और 4 पे मिथाइल मौजूद है, टोटल कितनी कार्बन है, 5 कार्बन और कीटोन फंक्शन ग्रुप है। तो जो कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है कौन सी वाली कार्बन मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पे साथ ऐड कर देंगे 2 पेंटानन, ये इसका नेम बन जाएगा। अब जितने भी हम लोगों ने ना रिएक्शन डिस्कस किए हैं ये एल्डोल एडिशन डिस्कस किए, ये इसमें हमने एलिमिनेशन नहीं की, मतलब एडिशन कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल को ऐड करके एडिशन कर रहे हैं लेकिन इनकी एलिमिनेशन नहीं करेंगे नहीं की। तो अब हम इनकी एलिमिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन क्या करेंगे, देखिए ऐसे हम हीट करेंगे डिल्यूट HCl की मौजूदगी में, तो क्या होगा ये फंक्शनल ग्रुप उसके साथ वाले कार्बन अल्फा अल्फा से नेक्स्ट बीटा, अल्फा और बीटा कार्बन से, ठीक है, अल्फा कार्बन से हम क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और बीटा कार्बन से क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो और साथ क्या एलिमिनेट हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। देखिए मैंने बोला था एल्डोल कंडेंसेशन को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, तो यहां पर मैंने एडिशन करके दी और वो वाला रिएक्शन उसमें एलिमिनेशन कर दी और साथ स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इसका एक नाम बनेगा, देखिए इसका एक नाम बनेगा, चार कार्बन है 1, 2, 3, 4, 2 ब्यूटानॉल इसका नाम बन सकता है, लेकिन अब आ गया हमारे पास यहां पर अनसैचुरेशन आ गया और अनसैचुरेशन किस पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम बन सकता है 2-ब्यूटीन और साथ एल्डिहाइड की वजह से AL ऐड कर देंगे, 2-ब्यूटीनल या क्रोन कोटोन एल्डिहाइड इसका नाम बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म वही सेम, तीन स्टेप हम फॉलो करेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और आखिर में क्या करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी जी। अब ये बेस है, ठीक है, बेस यूज कर रहे हैं, बेस का एक ही काम होता है क्या करना, प्रोटॉन ले लेना। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, इसका हाइड्रोजन इससे निकाल लेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन एनायन, ठीक है, अब दरअसल ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है और बनने वाली ये जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल प्रोडक्ट बनी, ठीक है, और ये जो कौन सी प्रोडक्ट बनी है, स्टेबल बनी है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाली प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस कर सकती है। देखो मैं रेजोनेंस ऐसे करके नहीं देगा लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, जब भी सिंगल नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड आ रहे हैं वो लाजमी रेजोनेंस करेंगे, ठीक है, वो लाजमी क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, मतलब हम एक ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट कर देंगे, आगे ये क्या कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। इस वजह से मैंने बोला ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनी है, इस वजह से बेस के लिए यहां पर अटैक करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सामने वाला जो कंजुगेट बेस बन रहा था वो बड़ा स्टेबल बन रहा था, ठीक है। ये हमारे पास जो कार्बन एनायन बन गया है ये इनोलेट एनायन में कहलाएगा एक बार, और ये हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यहां पर हमने लोगों ने यूज किया है। अब इस देखे हम लोग इथेनॉल के दो कंपाउंड ले रहे थे ना, या प्रोपेनॉल दो लिए थे या एसीटोन के दो लिए थे,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे इस एल्डिहाइड का। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्क ऑक्साइड आयन बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, ठीक है, C के साथ हाइड्रोजन है, बाकी साथ क्या आ रहा है, CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या बन गया, अल्क ऑक्साइड आयन बन गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हम इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहां पर वाटर भी जनरेट होता है, ठीक है, अब यही वाटर यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन को क्या कर लेना, गेन कर लेना, और ये वाला बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी जो क्या बन जाएगी, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3 के बाद क्या आ रहा है, CH और ऊपर क्या आ जाएगा, OH, नेक्स्ट क्या आ रहा है, CH2 के बाद C डबल बॉन्ड OH, और साथ बेस क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।